में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव। आइए खबरें विस्तार। यूनियन को मनाया गया एक ट्रिपल बार गणतंत्र दिवस नजारा मिल कर डीएम व उसकी नवीकरण की सलाहें कुशीनगर पूरी जनपद में उल्लास व उमंग के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस का पर्व स्वयं सरकारी इमारतों को पूर्व संध्या पर प्रकाशमान किया गया। पुलिस लाइन में परेड का भव्य प्रदर्शन हुआ। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र के साथ पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर भारतीय संविधान का संकल्प बिहार वाला तथा भव्य परेड की सलामी ली। वह शांति का प्रतीक प्रज्वलित हुए। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय गणतंत्र देश की समस्त नागरिकों को सर्वोच्च पद तक पहुँचने का अवसर प्रदान करता है। संविधान में हमें स्वतंत्रता समानता एवं वैविध्य तथा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। इससे सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं। पूरी संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य एवं दायित्वों को निष्ठापूर्ण ढंग से निभाना होगा। कर्तव्य ही अधिकार की पहली सीढ़ी होती है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यात्रा योजनाओं को धरातल पर शत प्रतिशत उतारने में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों जनप्रतिनिधियों तथा प्रदेश दलों के सहयोग की अपील की। पुलिस लाइन ग्राउंड में जनपद के विभिन्न विद्यालयों द्वारा देश वृत्ति से एक तेज प्रस्तुतियाँ दी गई और अपनी झांकियाँ निकाली। इस अवसर पर पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन निजी जिला राही द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष परवना सभी अन्य जनप्रतिनिधि व समस्त विभागों के अधिकारी गण आदि उपस्थित रहे। इससे पूर्व जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने अपनी पत्नी ममता सिंह के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अपने संदेश में डीएम अनिल कुमार सिंह ने जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान के मूल सिद्धांतों स्वतंत्रता समानता और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली गंभीरता पर अमल करने का संकल्प लिए। तत्पश्चात बालिका सुरक्षा से संबंधित शपथ दिलाई गई तथा कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर सिंह ने ममता सिंह के साथ वृक्षारोपण भी किया। वही जनपद के 25 जनपद का संग्राम सेनानी उनके आश्रितों को शाल उड़ाकर और माला पहनाकर जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वंदवासिनी राय वरिष्ठ कोषाधिकारी रही संयोग अभिजीत अधिकारी मानव चंद जिला कृषि अधिकारी विमल कुमार शुक्ल सहित कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान कर्जोनर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह के अलावा तमाम पुलिस विभाग के लोगों को सराहनीय कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर के विभिन्न विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह में कार्यक्रम किया गया जिसमें इस अवसर पर गोल पैरागाई सभी बच्चों द्वारा कार्यक्रम अपने विद्यालय में प्रस्तुत कर अभिभावकों व आगंतुकों का उत्साहवर्धन किया गया। वही रीना वागनी के एक बच्ची ने अपने विद्यालय में कार्यक्रम के दौरान कविता की अच्छा प्रस्तुति पर अपना नाम रोशन किया और विद्यालय के अन्य बालिकाओं द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कुशीनगर से सुनील कुमार सदारी के साथ आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत मेरा है। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और
होगा हौसला जब दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, ये सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद। हम लोगों को समझ सको तो समझो, दिल बल जानी थोड़ी सी भी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी मेरी मानी। सभी मिल करके इस जनतंत्र को चलाते हैं। हम अपने मत दे करके अपना शासन चुनते हैं और अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से सुव्यवस्था हेतु समुचित विधि विधान का निर्माण करते हैं और उसी के अनुशासन में पूरा देश चलता है। इस अवसर पर हम सभी भारत के लोग अपने संविधान के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए संविधान के पूर्ण अनुशासन में चलने का दृढ़ संकल्प लेते हैं।